हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर टिकसाज यूट्यूब चैनल हेयर वी शेयर फाइनेंशियल लीगल एंड सेक्रेटेरियल अपडेट थ्रू आर वीडियोस आज के इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इससे पहले कौन सा सिस्टम हम यूज़ करते थे उसकी क्या लिमिटेशंस रही हैं जिसकी वजह से आज के डेट पे हम जो मेजरली यूज़ करते हैं वो करते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम इवन जो आपके सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आज के डेट पे आप देखते हैं बिजी टेली जोहो बुक्स इन सब में भी आप डबल एंट्री सिस्टम का ही यूज़ करते हैं तो वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है इससे पहले था आपका सिंगल एंट्री सिस्टम तो जैसा कि इनके नाम से भी इंडिकेशन हो ही रहा है कि सिंगल एंट्री यानी कि हम एक सिंगल एंट्री कर देते थे और डबल एंट्री में क्या होता है कि हम एक एंट्री मतलब एक ट्रांजेक्शन बेसिकली एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसके दो जगह उसका अफेक्ट जाता है एक डेबिट में एक क्रेडिट में तो किसी भी एंट्री का मान लो लाइट सपोज हम कैश को स्पेंड कर रहे हैं बाई लाइक फाइव कैश हमने जो है स्पेंड किया है तो हमने सिर्फ़ अगर ये लिख दिया कि मैंने कैश मेरा 500 से कम हो गया मेरे पास 5000 था तो ये क्या हो गया आपका सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया अब उसी को मैं अगर बायफर्कट कर देती हूँ कि मेरा कैश तो मैंने स्पेंड किया है मैंने किस पर्पस के लिए यानी कि किस एक्सपेंस के लिए स्पेंड किया है मैं अगर वो भी डालती हूँ तो यहाँ पर क्या है मेरे दो इफेक्ट आ रहे हैं एक तो कैश में इफेक्ट जा रहा है और एक जो मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रही हूँ वहाँ पर इफेक्ट जा रहा है तो ये यहाँ पर मेरा डबल एंट्री सिस्टम हो गया यानी कि इसमें किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के आप दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हो उसके बाद ये बट इज़ डबल एंट्री सिस्टम इसमें यही सेम है कि एवरी ट्रांजेक्शन इन इज़ कैटेगराइज इन टू अकाउंट्स अ डेबिट एंड अ क्रेडिट उसके बाद रूल इसमें है कि फॉर एवरी डेबिट देर मस्ट बी अ कॉरस्पोंडिंग क्रेडिट यानी कि हम एक कोई भी एंट्री करते हैं तो उसको सिंपली हम डेबिट नहीं कर सकते डेबिट करके छोड़ नहीं सकते अगर हम कोई भी एंट्री डेबिट कर रहे हैं किसी भी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्रेडिट होना ही चाहिए अदरवाइज़ वो एंट्री होगी ही नहीं जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर रहे हो तो ये इसका बेसिक रूल है डबल एंट्री इसीलिए बोलते हैं हम कि किसी भी एक ट्रांजेक्शन जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसके दो दो जगह उसका इफेक्ट जाएगा ही एक एक जगह डेबिट में जाएगा एक जगह क्रेडिट में जाएगा उसके बाद इम्पॉटेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम तो इसकी इंपॉटेंस में एक्यूरेसी क्योंकि ये हर हर ट्रांजेक्शन का लाइक डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहा है ना कि सिर्फ सिंगल की कैश चला गया तो हमें नहीं पता कहाँ गया कहाँ अपने कहाँ हमने उसको स्पेंड किया तो इसलिए ये एक्यूरेसी मेंटेन करता है सेकंड आपका है फ्रॉड प्रिवेंशन इससे जो है आपका हम बेसिकली सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं अच्छे से तो हमें पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है तो इट रिड्यूसेस एरर्स एंड फ्रॉड उसके बाद है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका क्योंकि अब बेसिकली अच्छे से रिकॉर्ड होता है इसमें सारी एक्सपेंसेस सारी सारे अकाउंट्स आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं ना कि सिर्फ़ एक कैश का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ एक बैंक का रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें सारे अकाउंट्स आपके प्रिपेयर हो रहे हैं तो इससे आपका जो बेसिस बनता है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स का वो आपका रिलायबल बनता है ट्रू बनता है उसमें एरर्स नहीं होते हैं हाउ डबल एंट्री सिस्टम वर्क्स तो इसके लिए एक हमने एग्जांपल लिया है कि लेट सपोज हमने फाइव था फिफ्टी थाउजेंड की इन्वेंट्री परचेज़ करी कुछ भी स्टॉक परचेज किया है. तो यहाँ पे जब हम परचेज़ हमने किया है तो अब हम इसको रिकॉर्ड करने जाएंगे तो डबल एंट्री सिस्टम में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यानी कि एक अकाउंट होगा हमारा डेबिट और एक अकाउंट होगा क्रेडिट तो अभी हमें देखना है कि डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा तो अब इसमें क्या है एसेट और लाइबिलिटी है परचेज़ जब हम कर रहे हैं इन्वेंट्री तो वो हमारे Osionfish. हमारा एसेट बढ़ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे डेबिट जब भी एसेट बढ़ता है तो हम उसको करते हैं डेबिट उसके बाद उसने क्रेडिट पे परचेज़ किया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है जब भी लाइबिलिटी हमारी बढ़ती है तो हम उसको करते हैं क्रेडिट तो यहाँ पे इन्वेंट्री जो है आपकी फ़िफ्टी थाउजेंड से डेबिट हो जाएगी और जो क्रेडिटर से जो लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी पे करने की फ़िफ्टी थाउजेंड वो क्रेडिट हो जाएगी तो ये आपका दो जगह इफेक्ट आ गया एक सिंगल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो कि आपने परचेज़ किया था उसके बाद है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन डबल एंट्री तो आपके तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं उसके बेसिस पे रूल्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन से केस में हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स बेसिकली आपका होता है जो कि पर्सनल लाइक पर्सनस के जो अकाउंट होते हैं बेसिकली नेचुरल पर्सन के बेस में इंक्लूड होते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन नेचुरल पर्सन जैसे राम शाम मोहन सोहन और आर्टिफिशियल पर्सन आपका हो गया जैसे पार्टनरशिप फॉर्म हो गई आपकी कंपनी हो गई या ट्रस्ट हो गए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, ये सारे के आपके लीगल पर्सन यानी कि लाइक आर्टिफिशियल पर्सनस हैं तो इनके जो भी अकाउंट्स बनाते हैं हम क्रेडिटर डेटर तो इसको बोलते हैं हम पर्सनल अकाउंट्स और इसका रूल क्या है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर यानी कि जिसको भी हम पे कर रहे हैं पैसे उसको हम करेंगे डेबिट और जिससे भी पैसे हमें हमारे पास आ रहे हैं जो भी पैसे दे रहा है उसको करेंगे हम क्रेडिट उसके बाद है रियल अकाउंट तो रियल अकाउंट में आपका होता है बेसिकली जैसे आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज के जो अकाउंट होते हैं बिल्डिंग अकाउंट या कंप्यूटर अकाउंट ये सारे जो, जो अकाउंट होते हैं आपके इनको हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स और इसमें क्या है रूल के डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट लेट्स से कि कोई भी एसेट आपने परचेज किया तो यानी कि वो कंपनी के पास आ रहा है तो हम उसको करेंगे डेबिट अब मैंने अगर उसी एसेट को कुछ टाइम बाद बेच दिया तो अब वो कंपनी के कंपनी से जा रहा है तो अब उसको करेंगे हम क्रेडिट तो ये रूल उसमें फॉलो होता है थर्ड टाइप के जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स अब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो कि हम uh, एक्सपेंसेस और लॉसेस या इनकम और गेंस के जो नॉमिनल एक्सपेंसेस बना देते हैं यानी कि ये कोई एंटिटी नहीं होती या कुछ रियल पर्सन नहीं होते जस्ट नॉमिनल अकाउंट्स हम बना देते हैं तो इसके केस में रूल होता है आपका डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेंस यानी कि जो भी एक्सपेंस हो रहा है लॉस हो रहा है वो हमेशा आपका डेबिट होगा और जितनी भी इनकम या गेन आपके हो रहे हैं वो हमेशा क्रेडिट होंगे आपके इसके बाद है आपके एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम तो ये आपके एडवांटेजेस भी वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था एरर डिटेक्शन यानी कि गलतियां पता चल जाती है कंप्लीट फाइनेंशियल पिक्चर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सही आती है थ्रू एंड फेयर आती है उसके बाद है कम्पलाइंस तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो बोलते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करो तो उसके साथ आपका कम्पलाइंस हो जाता है उसके बाद है बेटर डिसीजन मेकिंग यानी कि आपके एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका लीड करते हैं कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग होगी वो बेटर हो जाएगी उसके बाद है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यानी कि डबल एंट्री सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है तो जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके टेली जोहो बुक्स या बिज़ी या क्विक बुक्स जितने भी होते हैं आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आज की डेट पे जो हम यूज़ करते हैं वो सारे आपके डबल एंट्री सिस्टम पे ही बेस्ड हैं और उनमें डबल एंट्री सिस्टम ही आपका यूज़ होता है तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये डबल एंट्री सिस्टम का पता होना चाहिए तो बेसिकली इसका कंक्लूजन यही निकल के आता है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है इंश्योर्स करता है आपकी एक्यूरेसी कंप्लायंस एंड आपका बेटर डिसीजन मेकिंग तो आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है क्या इसके फायदे हैं क्या एडवांटेजेस हैं स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स हैं तो आप हमें कॉमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द कमिंग वीडियोज़ थैंक यू